हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ 1 धूल पढ़ेंगे। यह पाठ रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखित है। इस पाठ में धूल की महत्वता के बारे में बताया गया है। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, कि जिस चीज़ की वजह से हम धूल भरे हीरे। इस पाठ में धूल भरे हीरे बेटा किसानों को कहा गया है। किसान जो धूल में सनकर धूल भरे बन जाते हैं, अर्थात मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो हमें अन्न प्रदान करते हैं, हमारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में सड़ते हैं हमारे लिए दिन रात मेहनत करके, ताकि वो हम लोगों का पेट भर सके, जिसकी वजह से उन्हें बहुत महत्वता दी गई है, उनको हीरे कहा गया है। लेकिन कैसे हीरे? हीरा जो बहुत कीमती है लेकिन वो धूल भरा है, धूल में सनकर वो हमारे लिए अन्न उगाते हैं। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है, वह धूल भरा ही अच्छा लगता है। कहते हीरे के प्रेमी, जिन लोगों को हीरा बहुत पसंद है, अगर वो हीरा खरीदने जाएंगे तो उनकी चॉइस यही होगी कि वो साफ सुथरा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, आंखों में हैरानी चकाचौंध पैदा करने वाला होना चाहिए, यानी इतनी चमक हो कि हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएं उसे देखकर। लेकिन हीरे से भी ज्यादा कीमती यहाँ पे एक नयन तारे का जिक्र किया गया है। नयन तारा यानी आंखों का तारा, एक हिंदी का मुहावरा भी है, आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, यानी कि एक बच्चे का वर्णन किया गया है यहाँ पे। हर एक बच्चा अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा होता है, कि एक ऐसे बच्चे का जो गांव के जीवन को जी रहा है, इस पंक्ति में किया गया है। और वह धूल भरा ही अच्छा लगता है। कहते नन्हे बच्चे जो है धूल से सने हुए ही सुंदर लगते हैं, धूल से भरा हुआ उनका शरीर ही सबको देखने में अच्छा लगता है। ऐसा बच्चा जिसका बचपन गांव में के गलियारे की धूल में बीता हो, यानी गांव की गलियों में क्या होता है, रेत होती है, मिट्टी होती है, और शहरी बच्चे कैसे होते हैं, साफ सुथरे वातावरण में रहते हैं, घरों में रहते हैं ना, उनके मम्मा पापा उनको धूल में भेजना पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि बच्चे धूल में जाएंगे इन्फेक्शन हो जाएगी, गंदे हो जाएंगे। तो कह रहे कि वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना भी कर ही नहीं सकता, कि ऐसा बचपन बच्चा जिसका बचपन गांव में बीता हो, वो बच्चा धूल के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, फूल के ऊपर रेणु, रेणु यानी धूल, कि फूल के ऊपर जो धूल जब पड़ी होती है और वो उसकी खूबसूरती को कहते हैं इस तरह से बढ़ा देती है, और इस तरह से वही धूल जब शिशु के मुंह पर लगती है तो उसकी भी सुंदरता को में और वो चार चांद लगा देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए। अभिजात वर्ग यानी अमीर वर्ग को बोला हुआ है, कि हाई क्लास लोग जो होते हैं कहते हैं बहुत मेकअप के लिए मतलब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ताकि वो अपनी खूबसूरती को और बढ़ा सकें। लेकिन उन्होंने कहा है कि बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री का धूल नहीं हो गई, धूल यानी बेकार नहीं गई, कि बालकृष्ण के मुंह पर जो धूल है लगी हुई है और उससे जो किसी भी बच्चे की वास्तविक सुंदरता और निखर के आती है, उसके सामने वो प्रसादन सामग्रियां, वो मेकअप प्रोडक्ट्स तो कहते क्या मिट्टी नहीं हो गए हैं, यानी उनके सामने मिट्टी, असली मिट्टी से जो बालकृष्ण की जो वास्तविक सुंदरता बढ़ती है, उसके सामने वो जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जो प्रसादन सामग्रियां हैं, वो सब फेल है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, कि आज की जो हमारी सभ्यता है वो धूल के मिलन से, यानी धूल में सनने से, धूल में अपने हाथ गंदे मैले करने से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, इसीलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत खेलो। यानी कि आज की जो सभ्यता है, आज के जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, ऐसी जगह अपना जीवन बिताना चाहते हैं जहाँ धूल मिट्टी ना हो। उनको लगता है कि धूल में रहने से हम मैले हो जाएंगे, हमारा घर गंदा हो जाएगा, हमारा शरीर गंदा हो जाएगा, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, जिसकी वजह से शिशु भोलानाथ यहाँ पे एक बच्चे को कहा गया है, कि इस वजह से हम बच्चों से क्या कहते हैं, आज की सभ्यता बच्चों से कहती है कि धूल में मत खेलो, मैले हो जाओगे, गंदे हो जाओगे। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सल में सितारे धुंधले पड़ जाएंगे, यानी भोलानाथ के संसर्ग से यदि वो मिट्टी में खेलेगा तो उसके शरीर के जो चमक है, शरीर की जो ब्यूटी है, वो बिल्कुल खराब हो जाएगी मिट्टी में खेलने से। कहते कि उसने किसी ने लिखा है, धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे ललिकान की। वो कह रहे कि धन्य धन्य, इस पंक्ति के द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं, कि जो लोग धूल में सने हुए, धूल में खेलते हुए बच्चों को गोदी में बिठाते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं, ऐसे लोग धन्य हैं, यानी कि क्योंकि वो अपना मैले जो करत गात अपने शरीर को गंदा कर लेते हैं जब वो धूल में सने हुए बच्चों को अपनी गोद में बिठाते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे धन्य कहा गया है।
अब लेखक के अनुसार जिसने भी इस पंक्ति को लिखा है उसने एक तरफ तो धन्य धन्य कहते हुए उन लोगों का बड़ा बड़प्पन दिखाया कि वो लोग बहुत धन्य है जो मैले बच्चों को, गंदे मिट्टी में सने हुए बच्चों को अपने शरीर के साथ लगाते हैं और अपने शरीर को मैला कर लेते हैं, और धूल की महिमा को स्वीकार भी किया है। परंतु दूसरी ओर उसने मैले शब्द से धूल के प्रति हीन भावना को भी स्पष्ट किया गया है, है ना। धूल के प्रति कहते हैं मैले जो करतगा, कि अपने शरीर को गंदा कर लेते हैं, यानी धूल को कहीं ना कहीं उन्होंने गंदगी का रूप दिया है। अंत में ऐसे लरिकान यानी ऐसे बच्चों को अपनी गोद में बिठाते, ऐसे बच्चे यानी धूल में सने हुए, यानी उसके लिए भी उन्होंने सामाजिक भेद बुद्धि का परिचय दे दिया कि ऐसे बच्चे यानी मिट्टी में सने हुए बच्चे, उनको अलग कर दिया। कुछ बालक धूल में खेलकर पलते हैं तो कुछ बालकों को धूल में स्कूल का स्पर्श भी नहीं मिल पाता। गांव के बच्चे हैं उनका जीवन धूल में बीतता है, लेकिन जो शहरी बच्चे होते हैं उनको धूल का मतलब उनके आसपास नामो निशान नहीं होता, अगर होता भी है तो परिवार के लोग उन्हें धूल में खेलने से रोकते हैं। तो शहरी और ग्रामीण बच्चों के अंदर यही अंतर दिखाया गया है। तो उसने भी कहते कि धूल भरे हीरो का महत्व करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो जो मैले जो करत गात की नौबत आई है, अगर बच्चे के मिट्टी में मिलन से, तो उन्होंने ये बात कही है मैले जो करत गा, तो अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उपकाई ही आने लगे। अगर एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसको कह दिया कि मैला हो जाता है शरीर, गंदा हो जाता है, लेकिन अखाड़े की मिट्टी में, अखाड़ा है ना जहाँ पे पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह यानी अखाड़े की मिट्टी से, तो क्योंकि उस अखाड़े की मिट्टी में ऑयल भी होता है और चिकनी मिट्टी होती है और वो शरीर के साथ बिल्कुल चिपक जाती है, तो उस देह से तो कहते कहीं उबकाई ही आने लगे, यानी उबकाई यानी कि किसी को वॉमिट ही आ जाएगी ऐसा कुछ करने से। तो जो बचपन में धूल में खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है, कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जो बचपन से धूल में खेला है तो अपनी जवानी में, तो उसको अखाड़े की मिट्टी में सनने से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको कोई मतलब उससे घृणा नहीं आएगी। रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या, यदि फिर भी वो अखाड़े की मिट्टी से वंचित रह जाता है, उसने कभी मिट्टी में जीवन नहीं बिताया, कभी वो मिट्टी में खेला नहीं, ऐसा सौभाग्य उसे नहीं मिला, तो उसका जीवन व्यर्थ है। यह साधारण धूल नहीं है वरन तेल और मट्ठे से सिझाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। यानी अखाड़े की मिट्टी से अगर कोई घृणा करता है, अलगत मानता है, तो कहते कि ये उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है वो तेल और मट्ठे से दही लस्सी का के मिला के इस मिट्टी को बनाया जाता है और इसको देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, यानी ऐसा सुख सभी के भाग्य में नहीं लिखा होता। पसीने से तर बदन मिट्टी ये शरीर पर ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो, यानी मिट्टी से इस तरह से व्यक्ति सन जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे सिर से पैर तक उसके मिट्टी ही मिट्टी है, ठीक है, जैसे वो कुआं खोद के निकला है, कुएं के अंदर मतलब बिल्कुल ही नहा कर निकला है, उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है, जो हमारी देह है, हमारा शरीर है, ये भी मिट्टी का ही बना है। आज हमें अपने ऊपर बड़ा घमंड है कि हमारा शरीर गंदा हो जाएगा, लेकिन जब हमारी मौत हो जाती है तो उसके बाद शरीर को जलाने के बाद ये शरीर मिट्टी ही बन जाता है और इसी मिट्टी में ही मिल जाता है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जितनी चीजें हमारे जीवन के लिए चाहिए, हमें पानी है तो वो भी मिट्टी से निकला है, अन्न है तो वो भी मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, अगर हमारे वस्त्रों का निर्माण हुआ है, रूई है, ये सारी चीजें भी मिट्टी में जो पौधे होते हैं उनसे निकलती है। तो यानी कि हम मिट्टी से बिल्कुल भी अछूते नहीं रख सकते अपने आप को। बहुत सी चीजें हैं हमारी जिंदगी के, जितने भी पांच तत्व हैं ये सब कहते हैं हमें मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं वो भी मिट्टी से बनते हैं। जिन फूलों को हम अपने घर में सुगंध फैलाने के लिए घर में मतलब बुके बनवाते हैं या फिर अपने बालों में लगाने के लिए यूज करते हैं या किसी को गिफ्ट करते हैं, तो वो फूल भी कहते हैं मिट्टी से ही बने हैं। रूप रस गंध स्पर्श इनमें कौन संभव है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। जब तक मिट्टी पड़ी है जमीन पर तब तक वो मिट्टी है, लेकिन जब भी किसी चीज के उड़ने से या किसी के चेहरे पर लगती है तो वो एक धूल का रूप धारण करती है। मिट्टी की जो खूबसूरती है वो धूल है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती, यानी गाँव के लोगों के लिए मिट्टी बहुत मायने रखती है, बहुत सम्मान देते हैं वो मिट्टी को। वो कभी भी मिट्टी को अपने सूक्ष्म बोध यानी कम ज्ञान के कारण, हालांकि वो अनपढ़ है, ठीक है, उन लोगों को बेचारों को इतनी जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिट्टी को कभी भी गंदगी नहीं मानते, मैला नहीं मानते, और उसके लिए कभी भी धूल की जगह, वो धूल के लिए कभी भी गर्द का, कीचड़ का, गंदगी का प्रयोग नहीं करते।
धूल वह है जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया। धूल वो है जो गोधूली, गोधूली का मतलब होता है बच्चे कि शाम के समय जब गऊएं जंगल से लौट रही होती है अपने अपने घरों को, तो उनके पैरों चलने की वजह से उनके पैरों के खुरों से जो धूल उड़ती है, जो मिट्टी उड़ती है और सब कहीं फैल जाती है धूल के कण, तो उसे उन्होंने गोधूली कहा है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर दे, अमराइयां यानी आम के पेड़, आम के पेड़ों के पीछे की जब पत्तियों से छन कर जब सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं और वो सूर्य की किरणें जब मिट्टी पर पड़ती हैं तो वो धूल के रंग को बिल्कुल सोने जैसा सुनहरा कर देती हैं। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रूई के बादल की तरह या एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ सिर रहती है, यानी शाम के समय सूर्य के डूबने के बाद जब भी कोई बैलगाड़ी निकलती है तो तब भी बैलगाड़ी बैल के पैरों के खुरों से जो धूल उड़ती है या गाड़ी के चलने पहिए की से जो धूल उड़ती है उसको भी उन्होंने धूल कहा है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी है, यानी बहुत कुछ लिखा है। कलम तोड़ना यानी मतलब बहुत कुछ, ऐसा कुछ लिखना जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। तो गोधूली के बारे में, गोधूली को बहुत सम्मानजनक माना जाता है। गोधूली फिर से देख लीजिए, आम मिट्टी को गोधूली नहीं कहा गया है। गांव के अंदर जब गऊएं जब चलती हैं, गऊएं बैल जब जाते हैं अपने घरों को लौटते हैं, तो उनके पैरों के जो खुर होते हैं उनकी वजह से जो मिट्टी के ऊपर निशान बन जाते हैं और उसकी वजह से जब वो फ्रिक्शन की वजह से जब वो जो धूल मिट्टी उड़ती है उसको धूल बोला गया है। लेकिन यह धूली गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बांटे नहीं पड़ी। जब शहरों में गऊएं ही नहीं, गायें ही नहीं है, बैल ही नहीं है, तो उनके हिस्से में ये कैसे पड़ेगी गोधूली। गऊएं जो बैल होते हैं ये सब गाँव में देखने को मिलते हैं। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ, यह कविता की विडंबना थी। उन्होंने कहा है कि एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता थे, बुक सेलर था, उनका एक निमंत्रण पत्र आया जिसमें उन्होंने समय जो लिखा कि किस समय पे प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो उसमें लिखा गोधूली की बेला में, यानी गोधूली जो होती है वो शाम का समय कहा हुआ है, शाम के समय गऊएं अपने अपने घरों को लौटती हैं। लेकिन वो उन्होंने कहा कि शहर में तो इतनी धूल मिट्टी होती है, तो उन धूल मिट्टी इतनी है कि उसको तो हम गोधूली नहीं कह सकते, गोधूली की जो बेला है वो तो गाँव में ही देखने को मिलती है। ये तो कविता की विडंबना है, ठीक है, उन्होंने कविता की पंक्ति में से उठाकर लिख दिया कि गोधूली की बेला में और गाँवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर कर दिया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है। हालांकि गाँव में भी गोधूली धूली शब्द को बहुत अमर कर दिया है, लेकिन अगर हम शहरों की बात करें या गाँव की बात करें, गोधूली सिर्फ गायों के पैरों के खुरों से उड़ने वाली धूल को कहा गया है। हाथी घोड़ों के चलने से जो धूल उड़ती है उसको हम गोधूली नहीं कह सकते, ठीक है। गोपालों के पदों की धूल है, गोपालों यानी गऊओं के जो पैरों के, गऊओं या गऊओं के बछड़ों के चलने के पदों यानी पैरों के जो धूल उड़ती है उसको गोधूली बोला हुआ है। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है, सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है, यानी नीच को धूरी समान, वेदों में नहीं लिखा कि नीच जो व्यक्ति है वो धूल के समान है, मिट्टी के समान है, कहते ये वाक्य जो है वेदों में नहीं लिखा क्योंकि ये मिट्टी तो इतनी सम्माननीय है कि सती जो होती है जिसका पति मर जाता है ना, और वो स्त्री है यदि उसको भी जला दिया जाता है अपने पति के साथ, तो उसको कहते हैं कि सती सिस्टम, ठीक है, वो उसको मिट्टी को अपने माथे पर लगाती है। योद्धा जो युद्ध लड़ता है वो उसे अपने आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूल चूमी थी। यूक्रेन से मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था, यानी कि धूल को इतना सम्माननीय माना गया है कि जब भी कोई वीर सैनिक होते हैं वो अपनी इसको धरती माता को पूजते हैं लोग, है ना, उसको अपने माथे से लगाकर उसके प्रति अपने सम्मान को, अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन सा साधन है। यदि किसी को अपनी देश के प्रति अपनी श्रद्धा दिखानी है, सम्मान दिखाना है, अपनी भक्ति दिखानी है, तो धरती की धूल के ऊपर माथा टेका जाता है, उस धूल को अपने मस्तक से लगाया जाता है, तो इससे बड़ा और कोई साधन हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि तुमने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, यानी मिट्टी के अंदर मिला दी, सब कुछ खत्म कर दिया। घृणा के लिए भी कई जगहों पे धूल चटाना है ना, तुम्हें धूल चटा के रहूंगा, तुम्हें मतलब सच्चाई से तुम्हें वाकिफ करा के रहूंगा, है ना, धूल झाड़ना की सब बर्बाद कर देना, तो ये जो कई चीजें ऐसी भी हैं जिसके अंदर घृणा का प्रतीक भी माना गया है धूल को। धूल, धूली, धूरी, धूली आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है, ये सभी एक ही नाम है, सिर्फ नाम अलग अलग दिए गए हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सबका रंग एक ही है, धूल यानी है एक ही, नाम ही सबने अलग अलग दे दिए हैं।
रूप में भिन्नता जो भी हो, मिट्टी काली भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, यानी अलग अलग रंगों की मिट्टी हो सकती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। मिट्टी अलग अलग रंगों की हो सकती है, लेकिन जब हम धूल शब्द कहते हैं तो शरद के धुले उजले, शरद यानी सर्दी के मौसम के जो धुले हुए उजले हुए साफ जो बादल होते हैं उनका स्मरण हो जाता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, यानी कोई नहीं कह रहा कि धूल के लिए सफेद रंग का विशेषण देना चाहिए, उसका जो रंग है वो सहज रंग उसका उसके लिए बहुत है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे, यानी हमारी देशभक्ति यदि हमारे अंदर सच्ची देशभक्ति है ठीक, तो चाहे हम उस मिट्टी को अपने मस्तक से लगाकर इस बात का प्रमाण ना दें कि हमारे अंदर भी देश के प्रति अच्छी भावना है, लेकिन कम से कम हम उस पर पैर तो रखें। ऐसा तो ना हो ना कि हम अपने देश की मिट्टी को छोड़ के विदेशों में जाकर बस जाएं, अपने देश की तरफ मुड़के कभी देखें भी ना। तो हमारी संस्कृति को कम से कम उस पर पैर तो रखना चाहिए। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है, यानी किसानों के हाथों पर पैरों पर मुंह पर जो ये धूल छाई होती है वो हमारी सभ्यता से क्या कहती है कि यही वो सच्चे लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारा पेट भरता है, यही वो लोग हैं जो लाखों करोड़ों अरबों लोगों के पेट भरने का एक जरिया बन रहे हैं। यदि ये मेहनत ना करे तो कौन हमारे लिए अन्न उगाएगा? हर एक चीज तो मशीनों से नहीं ना बन सकती। अगर आप कहो कि गेहूं अगर मशीन से उगा लेंगे उसके लिए तो धरती पे मेहनत करनी पड़ेगी। हम कांच को प्यार करते हैं, धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है, भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है। यानी आज के हम जो लोग हैं हम सिर्फ दिखावे का जीवन जी रहे हैं, हमें बाहरी सुंदरता ही अच्छी लगती है ना। अगर किसी भी चीज पे कोई थोड़ी सी भी धूल मिट्टी लगी तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो गंदा है, थोड़ा सा साफ वाला दिखाइए, अच्छा वाला पीस दिखाइए, चाहे उस चीज की क्वालिटी कितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन हम उसको बाहरी रूप को देखकर अपना विचार बदल लेते हैं। कहते हैं हमें धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है, हम धूल भरे हीरे को जब देखते हैं तो हमें अंदर वाला हीरा यानी व्यक्ति के अंदर के गुण नहीं दिखाई देते बल्कि उसकी बाहरी लुक, आउटर जो लुक है उसको देख के ही हम अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। हमें उस समय सिर्फ धूल ही दिखाई देती है, भीतर की कांति अंदर की जो चमक है वो आंखों से ओझल हो जाती है, लेकिन ये हीरे अमर है और एक दिन ये अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। ये हीरे किसको बोला गया? किसानों को, कि ऐसे हीरे ये लोग जो है वो अमर है, गांव में रहने वाले लोग जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन हम उनसे क्या करते हैं? घृणा, ये तो अनपढ़ लोग हैं, है ना, ये तो कितने गंदे हैं, साफ सुथरे भी नहीं है, इनके कपड़े कितने गंदे हैं, इनका रहना सहना कितना अलग है। हालांकि इतने दिमाग में हमें ये बात सोच के रखनी चाहिए कि यदि ये हमारे लिए कुछ ना करें तो हम अपना पेट नहीं भर पाएंगे, जो ऐश परस्ती का जीवन हम जी रहे हैं वो नहीं जी पाएंगे। तो कह रहे हैं अभी तो उन्होंने अटूट होने का भी प्रमाण दिया है, हीरा वही घन चोट ना टूटे। कहते हैं असली हीरा वही है जो हथौड़े की चोट से भी ना टूटे, वे उलट कर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। यानी कि यहाँ पे हीरा फिर से वही किसानों को कहा गया है कि असली हीरा वही है जो किसी भी तरह की स्थिति आने पर कैसी मर्जी स्थिति से टूटते नहीं है, कैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए वो बिल्कुल भी घबराते नहीं है, लेकिन जब पानी उनके सिर से ऊपर हो जाता है, लेकिन जब उनको जरूरत से ज्यादा ही किसी चीज के लिए प्रेशराइज किया जाता है तो कहते कि वो उलट कर चोट भी करेंगे। यानी यदि उन्होंने जिद ठान ली कि नहीं अगर लोगों को हमारी कदर नहीं है तो हम ये काम करना छोड़ देंगे तो क्या होगा, नुकसान हम लोगों का ही होगा। उस समय कह रहे कि कांच और हीरे में फर्क भेद जानना बाकी ना रहेगा, उस समय कोई बात ये नहीं रह जाएगी, उस समय हमें असली कदर मालूम पड़ेगी उनकी। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे, तब हम उनकी जो मेहनत है उसको भी सच्चाई मानेंगे और उनकी भी कद्र करना सीखेंगे। ठीक है, तो मेन इस चैप्टर के अंदर बच्चे आप लोगों को सिर्फ हीरे के खूबसूरती के बारे में नहीं बल्कि धूल के महत्व के बारे में बताया है। धूल के माध्यम से गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो जीवन है, उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो रहन सहन है, उसके बारे में आपको परिचित कराया है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति किसी भी चीज़ की बाहरी स्थिति को देखकर, बाहरी सुंदरता या उसकी उसके रूप को देखकर हमें कभी भी किसी तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए। व्यक्ति के जो भीतरी गुण है, आंतरिक गुण है, वो ही अधिक मूल्यवान होते हैं और हमें उसकी कद्र जरूर करनी चाहिए। कहते हमारी एक नज़र ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ वो बाहरी सुंदरता को ना देखे बल्कि उसके भीतर तक भी झांकने का प्रयास करे। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है एंड इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the question answers of this chapter. Thank you everyone.